आपका न्यू फेंगल्ड। न्यू फेंगल्ड का मतलब क्या होता है? नई अनजानी चीज, जो चीज आपके लिए नहीं है, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, आप उस चीज को नहीं जानते, आप उस चीज को सीखोगे या देखोगे, जो चीज आपके लिए नहीं है। कोई बुक लेकर आते हो तो बुक आपके लिए नहीं होती है, फिर आप पढ़ते हो। तो न्यूली डेवलप्ड और अनफेमिलियर चीज, नई अनजानी चीज, न्यूली फेंगल्ड, न्यू फेंगल्ड। नॉनेंटी, नॉनेंटी मतलब होता है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, यार इसकी तो कोई महत्व ही नहीं है, इसका तो नॉन एंटिटी कहेंगे उसे, ठीक है। नॉन पैरल, नॉन पैरल मतलब होता है जिस, जैसे कि दो पर्सन है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों की बराबरी नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉन पैरल है, कंपेरेटिव नहीं है भाई, अलग अलग है ये, इनको कंपेयर नहीं कर सकते, पर्सन और थिंग विच हैज नो इक्वल, ठीक है। नोटोरियस, देखो एक होता है फेमस बंदा जो मशहूर है, नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, गलत चीजों में जो फेमस हो, बदनाम हो, हैविंग एन इविल रेपुटेशन, खुकियात, बदनाम, नोटोरियस कहेंगे, ठीक है। न्यूएंस, NUANCE, न्यूएंस का मतलब होता है छोटा सा डिफरेंस, बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस हो किसी भी चीज में, सटल डिफरेंस इन कलर, मीनिंग एसेट्रा, सूक्ष्म भेद, इज कॉल्ड न्यूएंस। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है कॉइन्स की स्टडी करने को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कई बार आता है। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका नर्सरी, नर्सरी मतलब जहां बहुत सारे प्लांट्स हो, पौधाशाला, द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स हैं, देखते हैं नहीं वहां पर नर्सरी है, बंदे घूमने भी जाते हैं, कोई नई चीज देखने भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए आपका, नेक्स्ट क्या? ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एक मेरा मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा। देखो कुछ लोग होते हैं, पहले तो एनलाइटमेंट का मतलब समझो आप, ठीक है। एनलाइटमेंट का मतलब होता है जब आप लोगों को सीख दो, लोगों को आप नॉलेज प्रदान करो, नई नई सीखे दो लोगों को, नई नई नॉलेज प्रदान करो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग तो एनलाइटमेंट फॉलो करते हैं कि भाई लोगों को नॉलेज देते हैं चीजों की, ठीक है, और कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग ऑब्सक्यूरेंटिस्ट होते हैं, वो लोगों को नहीं बताना चाहते, लोगों को अपनी नॉलेज नहीं देना चाहते, तो वो क्या होते हैं, पर्सन हु इज अपोज टू एनलाइटमेंट, जो ज्ञान देने के विरोधी होते हैं, ज्ञान देना पसंद वो नहीं करते, ठीक है। ऑब्सिक्यूस, बहुत ही प्यारा वर्ड है, स्टार मार्क करेंगे, ऑब्सिक्यूस का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार करते हैं उसका, जो भी आप फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म करते हो उसे हम बोलते हैं ऑब्सिक्यूस। नेक्स्ट ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट मतलब होता है जो चीज बहुत पुरानी हो चुकी है, अब प्रयोग में भी नहीं है, उसका यूज प्रयोग में नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, डेड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, अब वो यूज में नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्टागन, ऑक्ट इज फॉर एट, ऑक्ट इज फॉर एट, तो ऑक्टागन का मतलब होता है प्लेन फिगर विद एट साइड्स एंड एंगल्स, जिसके आठ एंगल्स हो, आठ साइड्स, ठीक है। ऑलिगार्की देखते हैं, ये तीनों वर्ड जो आ रहे हैं, तीनों चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी देखते हैं। ऑलिगार्की, स्टार मार्क, ऑलिगार्की का मतलब होता है जब कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स के लोग जो बहुत ज्यादा पावरफुल है उनके द्वारा सरकार चलाई जा रही है, अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन्स, ये पावरफुल पर्सन समझ लो अंबानी, अडवानी और बड़े बड़े जो लोग हैं, इन्होंने मिलके एक गुट बना लिया और ये गुट हमारी सरकार चला रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑलिगार्की, समझ गए, शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल। अब आ जाओ एक रूट वर्ड डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। ओमनी, ओमनी एक रूट वर्ड है, OMNI, ओमनी का मतलब होता हर जगह, एवरीवेयर, इसका मतलब होता है सर्व, सर्व, सब जगह, एवरीवेयर, सब कुछ, इसी ओमनी को हम बोलते हैं ऑल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। POTENT, पोटेंट का मतलब, पोटेंट, पोटेंट से क्या बना है, पोटेंशियल, पोटेंट मतलब आपके अंदर कितना, कितने आप शक्तिमान हो, कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंट मतलब आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आइए, अब हम चीजों को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। पहला वर्ड आता है ओमनीफॉर्म, ओमनीफॉर्म, ओमनी मतलब ये रहा रूट वर्ड, ओमनी मतलब एवरीवेयर या ऑल, तो जो बंदा ऑल, ऑल शेप्स वाला हो वो कोई भी फॉर्म बना सकता है अपनी, कोई भी शेप कर सकता है, कोई भी शेप ले सकता है, कोई भी फॉर्म ले सकता है, तो ओमनी फॉर्म, ओमनी जीएंस, नीचे के जितने वर्ड है वो सारे गॉड को जाते हैं एक तरीके के, ठीक है। देखो कैसे ओमनी फॉर्म मतलब सर्वाकृतिक, कैसे, हैविंग एवरी फॉर्म और शेप, सारी फॉर्म, ऑल, ओमनी मतलब ऑल, फॉर्म मतलब ऑल शेप, ऑल शेप हो गया, ठीक है। ओमनी जीनियस, ओमनी मतलब ऑल, जीनियस मतलब क्या होता है, जीनियस मतलब होता है GENOUS, है वो जीनियस नहीं है, GENIUS नहीं है, GENOUS, जीनियस मतलब होता है सारे प्रकार का, तो सब प्रकार का, कंप्राइजिंग ऑल काइंड, ठीक है। और ये तीनों वर्ड आपके भगवान के लिए होते हैं, देख लेते हैं, ओमनी मतलब ऑल, सर्व, एवरी,
पोटेंट मतलब पोटेंशियल, तो ऑल पावरफुल, पोटेंट मतलब पावरफुल, जिसमें सर्वशक्तिमान जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, ऑल पावरफुल कौन होता है, गॉड होता है, गॉड होते हैं, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी क्या है, ओमनी मतलब ऑल प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड होता है। ओमनीशियंट, ओमनीशियंट मतलब होता है ज्ञान, जो सर्व ज्ञानी हो, नोइंग एवरीथिंग, वो गॉड होता है। तो ये तीनों वर्ड याद रख लेना, भगवान को समर्पित है ये, तो ये तीनों वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपेक, ओपेक मतलब होता है यार जहां से आप, जैसे ये आप खड़े हो, ये मैं खड़ा हूं, और यहाँ पे मैंने एक ओपेक पर्दा लगा दिया, ना आप मुझे देख सकते हो ना मुझे, जहां से लाइट पास ना कर पाए, ठीक है। अपारदर्शी, डेट विच कैन नॉट बी सीन, जब लाइट ही पास नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, जो अपने फ्यूचर को लेके बड़ा होपफुल हो, मेरे फ्यूचर में तो सब बढ़िया होगा, ठीक है। पर्सन हु लुक्स एट टू द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, आशावादी। इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा बता रहा हूँ क्या होता है वो, पेसिमिस्ट, PESSIMIST, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो अपने फ्यूचर को लेके ब्राइट नहीं हो, उसको लगे मेरे फ्यूचर में तो सब गलत ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है अच्छा वक्ता, जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। वन हु मेक्स इलोक्वेंट मतलब आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट, ARTICULATE, जो वर्ड लिख रहा हूँ SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सीडेस वीडेस हर चीजों के लिए। वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, जो बहुत अच्छा बोलता हो, आर्टिकुलेट हो, बोलने की कला, कहते हैं ना जिसका बोलने की कला बहुत अच्छी है, मतलब एक idiom भी लिख लो भाई आप, क्या हो गया सर बार बार पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, लिख लो गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला बहुत अच्छी है, तुम्हारे भाई की भी अच्छी है, ऐसा बचपन में लोग कहते थे, अब नहीं पता, ठीक है। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मतलब क्या होता है, फलों का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्रूट्स। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है जिसको आप समाज से बैनिश कर दो, BANISH, आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, बैनिश कर दिया, अब आपने बोला इसको बॉयकॉट करो, समाज से बाहर निकाल दो, टू टर्न ऑफ सोसाइटी, बाहर निकाल दिया समाज से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवीपरस, ओवीपरस का मतलब होता है जो लोग डायरेक्ट, मतलब एक समझ लो ओवीपरस एनिमल्स है, तो वो मैं एनिमल्स की बात बताता हूँ, जो एग्स देते हैं फिर बच्चे होंगे, पहले एग्स होंगे, डायरेक्ट यंग वंस को जन्म नहीं देते वो, ठीक है। तो अंडप्रजक, बियरिंग एग्स नॉट यंग वंस, ठीक है ना। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का देखो PAC, देखो पहले तो पैसिफाई का मतलब समझो, PACIFY, पैसिफाई का मतलब होता है जो बड़े शांत रहते हैं, काम रहते हैं, ठीक है। तो पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, जो चाहते हैं कि शांति बनी रहे भाई, झगड़ा वगड़ा ना हो। पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबोल्यूशन, एबोल्यूशन मतलब खत्म, बिल्कुल वॉर नहीं होनी चाहिए, एबोल्यूशन ऑफ वॉर, बिल्कुल वॉर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शांति रहे, पीस रहे, ठीक है। पेजेंट, PAGEANT, पेजेंट का मतलब होता है तमाशा, लीला, कोई तमाशा या कोई लीला, इलेबोरेट पब्लिक स्पेक्टिकल, ठीक है ना, कोई भी तमाशा या कोई भी लीला हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेजेंट, जैसे यार क्यों तमाशा लगा रहे हो, ठीक है, तो इलेबोरेट पब्लिक स्पेक्टिकल, ये कहते हैं चलो वहां पर चलो तमाशा लगा है, वहां जाके देखेंगे, तो वो वाला। नेक्स्ट है आपका पैलेटेबल, पैलेटेबल आइए, पैलेटेबल का मतलब होता है कोई फूड या कोई भोजन जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो, फूड और ड्रिंक दैट हैज अ प्लेजेंट टेस्ट, स्वादिष्ट, अच्छा वर्ड है, याद कर लेना। पैनाशिया तो कई बार रिपीट होते हैं, ये तीनों रिपीट होते हैं, ठीक है। पैनाशिया का मतलब होता है रामबाण, अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, जैसे बोले यार ये चीज बीमारियां तो ठीक नहीं हो पा रही, अब पैनाशिया है, इसी से रामबाण है, इसी से सब कुछ ठीक होगा, तो अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट है आपका पैंडेमोनिक, पैंडेमोनिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पैंडेमोनिक का मतलब होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, PAN, पैन का मतलब होता है ऑल, हर जगह, पैन एक रूट वर्ड है, पैसे पैन इंडिया, इंडिया में हर जगह, तो पैन का पैन एक रूट वर्ड है। और डेमन, डेमन मतलब होता है राक्षस, तो समझो सारे राक्षस आ जाए, अचानक से मैं पढ़ा रहा हूँ सारे राक्षस आते हैं, मैं तो भागूंगा, अफरा तफरी हो जाएगी, तो अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर फैल जाएगा, शोरगुल हो जाएगा हर जगह, शोरगुल तो नहीं कहेंगे, एक नॉइजी डिसऑर्डर फैल जाएगा, पैंडेमोनिक होगी, अफरा तफरी होगी, ठीक है। पैनिजीरिक, पैनिजीरिक मतलब जब आप किसी की प्रशंसा के लिए उसे पत्र लिख के, पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज, उसकी तारीफ करते हुए प्रशंसा पत्र को कहते हैं पैनिजीरिक, ठीक है। पैंटोमाइम, पैंटोमाइम मतलब वही होता है जैसे कठपुतलियों का ड्रामा होता है, ठीक है, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पैंटोमाइम, बेसिकली एक परफॉर्मेंस होती है ड्रामा की परफॉर्मेंस, तो उसे हम बोलते हैं पैंटोमाइम, ठीक है।
पैरामर, पैरामर मतलब क्या होता है, जिससे शारीरिक संबंध हो, किसी का किसी से सेक्स, कोई सेक्सुअल पार्टनर है, कोई लवर है, सेक्सुअल लवर है, सेक्सुअल पार्टनर, उसे हम पैरामर कहते हैं, सेक्सुअल पार्टनर और लवर। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, जिसका जीव, जैसे पैरासाइट वो होते हैं आपके एनिमल्स जो जो दूसरे को खाते हैं, तो उनका जीवन जो होता है वो दूसरे पर निर्भर होता है, वन हु एंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर। पैरासेल का एग्जैक्ट मतलब होगा कि लड़कियों का जो अम्ब्रेला होता है उसे हम बोलेंगे रंगीन छाते को पैरासोल, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पेरीसाइड, देखो पेरी पेरी पी ए डबल आर, पेरी एक रूट वर्ड है जो दिखाता है पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, ठीक है, पी ए आर ई एन टी एस, तो पेरीसाइड मतलब किलिंग, तो किलिंग ऑफ बोथ पेरेंट्स इज कॉल्ड माँ और पिताजी की, पिता का हत्यारा, तो पेरीसाइड, पेट्रीसाइड बोला था मैंने पापा का, तो किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, देखो आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। पैट्रीमोनी, पैट्रीमोनी देखो पैट्री इज फॉर फादर, तो पैट्री मतलब जो फादर के बड़े बुजुर्गों से कोई चीज आ रही है, जैसे समझ लो कोई प्रॉपर्टी आई तो वो पैट्रीमोनिक प्रॉपर्टी है, मतलब दादाजी द्वारा आई है, पापा के भी एंसेस्टर द्वारा, तो इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मेल एंसेस्टर, ठीक है। पैट्रिट, पैट्रिट का मतलब क्या होता है, पैट्रिट का मतलब होता है देशभक्त, वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपनी कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करता है, पैट्रिट मतलब होता है देशभक्त। नेक्स्ट है आपका पेट्रोनिमिक, पेट्रोनिमिक मतलब क्या होता है, नेम डिराइव फ्रॉम डैट ऑफ फादर और एंसेस्टर, ठीक है। पेट्रोनिमिक का मतलब है आपका, देखो फिर पेट्रो मतलब फादर, जो जो नाम आपको पितृ नाम, मतलब जो नाम आपको फादर द्वारा मिला जाए उनके सिस्टर द्वारा, बेसिकली आपकी कास्ट भी हो गई, तो नेम डिराइव फ्रॉम डैट ऑफ फादर और एंसेस्टर। नेक्स्ट है पॉपर, पॉपर का मतलब होता है मेरा भाई कंगाल, ठीक है, जिसमें डेस्टिट्यूट, डी ई एस टी आई टी यू टी ई, जिसमें दो मतलब गुजारे भर का खाना खाने के लिए भी पैसे ना हो, डेस्टिट्यूट क्या हो गए, जिससे आप बोलोगे, आप बोलोगे इसको पेनीलेस, पीई डबल एन आई एल ई डबल एस, पेनीलेस है, पीई डबल एन आई एल ई डबल एस, बहुत ही ज्यादा गरीब और कंगाल, वन हु हैज नो मींस ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC, CGL, CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा, DSSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको, इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियोस शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, पास सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे, जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है, वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है, बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोज आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है, तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे ही प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स,
क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीजें आपकी कवर हो रही है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।